बेसिक ओपन सी की, जो कि एक एनएफटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब बात यह है, अगर मैं जो किसी को भी क्लिक करूं, एक सेकेंड, लेट्स सी, कोई भी रैंडम उठाते इसको, ये उठा लेते हैं। अब जैसे ये खुल रहा है, अब आप ये देखें, ये चीज़ सोलाना पे इस वक्त मौजूद है। ये देखें, सोलाना पे, सोलाना के ब्लॉकचेन पे मौजूद है, जो कि ये ओपन सी पे लिस्टेड है। अब बात यह आती है कि मैं आप इसका दिखाने का मकसद मेरा ये था कि ओपन सी ने अपने पूरे प्लेटफॉर्म को रीवैप किया है, पूरे प्लेटफॉर्म को रीडिज़ाइन किया है, क्योंकि इस वक्त सेल्स बहुत गिर रही हैं। एनएफटीज़ के लिहाज से, क्रिप्टो मार्केट के लिहाज से तो गिरी गिरी रही है, लेकिन एनएफटीज़ के लिहाज से भी बहुत गिर रही है। क्योंकि देखें, ये मार्केट पूरा क्रैश हुआ हुआ है, सिर्फ लूना की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, लेकिन लूना एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट का डाउन टर्न होना शुरू हो गया, क्योंकि एनएफटीज़ की तरफ भी आना शुरू हो गया। अब देखें, बात यह है कि रीडिज़ाइन जब कंपनी करती है अपने प्लेटफॉर्म को, देखें जब कोई चीज़ चल रही होती है, आप हमेशा देखिएगा रीडिज़ाइनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब कंपनीज रीडिज़ाइन करना शुरू कर देती हैं कि यार रीडिज़ाइन करते हैं, तो ये मेन और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कंसिडर करने का, कि कंपनी की सेल्स उतनी नहीं आनी जो कि पहले आती थी। अब इस चीज़ का मकसद क्या है, मुझे लाइक मेरा मकसद क्या है आपको बताने के लिहाज से, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल्स डाउन है, पूरा क्रिप्टो मार्केट तो डाउन ही डाउन है, एनएफटी की सेल्स डाउन है, तो ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही मुश्किल वाला वक्त है। तो लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये टाइम आता है, हर इंडस्ट्री पे ऐसा टाइम आता है कि जब कोई भी चीज़ नामुमकिन लगती है, लेकिन देखें इस टाइम से भी गुजर जाएंगे। आपने अपनी मेहनत, आपने अपनी लगन इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिहाज से इसी टाइम पे करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ भी करेंगे, अभी सब सब कुछ लो चल रहा है, आने आगे जाके हर चीज़ लाजमी बात है बढ़नी है। तो मैं इस लिहाज से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने जो भी जिस तौर की भी इन्वेस्टमेंट करनी है, देख के करनी है सबसे पहले तो, और ध्यान से करनी है, किसी के कहने पे नहीं आना है। तो मेरा मकसद ये था। चलिए देखते हैं जी, अब सवाल, हम लेक्चर को लाजमी बातें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं लोगों के अगर सवाल आए। जी भाई, आप 5,000 भी अपलोड कर सकते हैं, 10,000 भी अपलोड कर सकते हैं, 15, 20, 30, 40, 50,000 भी अपलोड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सोर्स कोड किस तौर पे है और आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा मेन सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को अपलोड करने के लिहाज से। जी मार्केट, मेरा इस लिहाज से एक्सपर्टीज़ नहीं है स्पॉट ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन मैं आपको क्योंकि एनएफटी से रिलेटेड है ये पूरा सेगमेंट, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, मार्केट जब भी पंप करती है, एक साथ जब पंप करती है ना, तो आपको हमेशा देखिएगा, अगर आप उस पंप से पहले उस चीज़ में आ गए तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन एक मसला ये आ जाता है कि उस पंप, जब वो चीज़ पंप में आ जाती है और फिर आप आते हैं, तो फिर चीज़ गिरना शुरू हो जाती है। जैसे लूना नीचे बिल्कुल गिर गया था, एक वेल आई और इन्वेस्ट किए, प्राइस बढ़ी, फिर क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के बाद क्या हुआ,
प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन आप एंड देर में आए, देर में आने से क्या हुआ, फिर आपका क्या हुआ, आपने नुकसान इस तौर पे उठाया क्योंकि आपने मेजर पंप में उस चीज़ के एसेट के अंदर घुसे, लेकिन जब निकले तो वो चीज़ नीचे गिर चुकी थी। तो अगर पंप से पहले अगर आपके पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो आप जान लें, तो वो मैं रेकमेंड करता हूँ उस पर जाने से, उस चीज़ को कंसिडर करने से, कंसिडर करना आप चाहिए आपको। भाई बीच में कनेक्शन कुछ गलत हो गया था, आप लोगों को अभी भी सब कुछ नज़र आ रहा है, आवाज़ आ रही है, बीच में एक साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया था, आप कंफर्म करें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें सही, यार मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मकसद क्या था बताने का, कि जो सेल्स 92% डाउन है वो उसी वजह से डाउन है, जो कि मेजर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स निकले थे हाइप के तौर पे, हाइप के तौर पे जितने भी निकले थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं अब, और जो मेन रह चुके हैं अब वही रहते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तौर पे आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्त में नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तौर पे, किस किस वजह से उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए यार, अगर आप कोई भी NFT प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ले लें आप, इन खास तौर से अगर NFTs के लिहाज से, तो आप उसकी वर्थ किस तौर पे जान सकते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है। जैसे मैं ये अभी ओपन सी पे ही चलते हैं, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। ओपन सी पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले जो आपने डिटरमिन करनी है, वो चीज़ डिटरमिन करनी है ऑथेंटिक फ्लोर प्राइस, ऑथेंटिक ट्विटर अकाउंट, ऑथेंटिक इंस्टाग्राम अकाउंट के नेचुरली वो अकाउंट बढ़ रहे हो, नेचुरली वो लोग वो अकाउंट लोग इंटरेक्शन कर रहे हो उससे। जैसे ये इस चीज़ को मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये खुल जाए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। तो मैं जो ये जब तक खुल रहा है, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें ऑथेंटिक फ्लोर प्राइस क्या होती है, कि आपको समझ में आया हाँ यार ये फ्लोर प्राइस सही है। अगर आर्टिफिशियली देखें, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड जो फ्लोर प्राइस होती है वो बहुत, जिसे बोलते हैं वो बहुत ही आर्टिफिशियली तौर पे इन्फ्लेट हुई होती है, मतलब उसका ना, जिसे बोले ना सर होता है ना पैर होता है, वो प्राइसेस जो होती हैं वो आप मतलब उसको डिटरमिन ही नहीं कर सकते यार इतनी ज़्यादा प्राइस किस तौर पे ये मतलब हो रही है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, फ्लोर प्राइस। ये खुल नहीं रहा तो मैं आपको दिखा दूँ, दूसरी चीज़ खोलते हैं। तो सबसे एक चीज़ मैटर करती है कि आप उसके ट्विटर अकाउंट में उसकी जो फॉलोइंग है वो लिजिट फॉलोइंग है, लाइक फॉलोअर्स बॉट नहीं हुए हुए हैं, जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं फ्यूचर प्रोमिसेस जो कर रहे हैं वो लोग, फ्यूचर वादे आने वाले वक्त के, तो वो ज़्यादा वो वाले वादे नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि ये वादे वो हैं जो शायद पूरे भी ना हो सकें, तो वो एक हद में वादे भी सही कर रहे हैं।
ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। थर्डली ये चीज़ मैटर करती है कि जो उसकी फ्लोर प्राइस है, जिस प्राइस जो मिनिमम प्राइस पे वो बिक रहा है वो एसेट, वो चीज़ आर्टिफिशियली तौर पे इन्फ्लेट इस तौर पे हम चेक कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली तौर पे कि वो बाकी एसेट्स देख सकते हैं कि वो कितने प्राइसेस पे बिके हैं, और अगर एक साथ प्राइसेस बढ़ गई तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि ये चीज़ सही नहीं। देखिए जो भी मार्केट अचानक से पंप हो, मेरा आपसे बहुत कहना है कि बहुत ही देख के इन्वेस्ट करें, बहुत ही ड्यू डिलिजेंस अपनी करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखें मार्केट जब भी पंप होता है तो उसमें वेल्स आ जाती हैं। वेल्स बहुत पैसा लेके उस एसेट में डालते हैं, और जब बहुत पैसा लेके उस एसेट में डालते हैं और जब निकलना चाहते हो तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख के निकल जाते हैं, और जैसे हम जैसे लोग होते हैं जो इतने से पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस तौर पे क्या कर रहे हैं। आप लोगों के सवालों का अभी भी इंतज़ार है, आप लोग सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए इंशाल्लाह बहुत तैयार हूँ। देखिए लूना का मसला क्या था, मैं इस वक्त क्रिप्टो के लिहाज से नहीं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगा कि लूना का देखें मसला क्या था। लूना का मसला उसमें बहुत बड़े वेल्स थे, सही है, उसमें वो निकलना शुरू हुए तो उसकी प्राइस जो पैक था वो डी पैक होना शुरू हो गया, कि जो स्टेबल कॉइन की प्राइस थी डॉलर के लिहाज 1 डॉलर को मिमिक करने के लिहाज से वो चीज़ कम होती चली गई। फिर लोगों का फियर आना शुरू हो गया, लोगों ने भी फिर बेचना शुरू हो गया, और लोगों ने बेचनी चीज़ शुरू हो गई, तो वो उस तौर पे वो चीज़ नीचे गिरती चली गई। तो अभी जो एंड में इसकी प्राइस बढ़ी थी वो चीज़ इसलिए बढ़ी थी क्योंकि एक और वेल आ गया था अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करने के लिए, जो कि वो भी निकलने वाला होगा या निकल चुका होगा। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम पे किस तौर पे उस एसेट के अंदर घुसना चाह रहे हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप लोगों के सवालों का देख इंतज़ार है।